नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश कुमार विश्वकर्मा बहुत स्वागत है सभी अपने चैनल आम ग्रुप के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कमसेठी से लेकर आपको चोरी बाजार तक के नज़ारे। और दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कमसेठी चौराहा से बेसिकली भदोही वाले मार्ग से जाते हुए चोरी बाजार का नज़ारा दिखाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। कैसा ट्रैफिक है सब आपको डिटेल दिखाने वाले हैं। तो बिना देर किए दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जो रोड है कितना बढ़िया है। ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 713B, जो कि दोस्तों जोड़ता है बनारस और भदोही को। और दोस्तों आप कमसेठी चौराहे से आप लोग जानते होंगे, आप एक रास्ते से भदोही जा सकते हैं, एक रास्ते से आप कछवा बाजार जा सकते हैं और एक रास्ते से आप जा सकते हैं एयरपोर्ट। और फिर दोस्तों ये देख सकते हैं ये कमसेठी बाजार है, आप कुछ इस तरह आप देख। दोस्तों आप देखते हैं ये कितना बढ़िया रोड है। और दोस्तों आपको बता दें कपसेठी बाजार से क्या है, कपसेठी चौराहा और कपसेठी बाजार दोनों पास में है। और वहाँ से दोस्तों लगभग चौरी बाजार की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, जो कि हम अपने कार से कवर करेंगे, आप देख सकते हैं ये। दोस्तों आपको बता दें रोड की क्वालिटी के बारे में, तो रोड एकदम स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया है, कोई झटका महसूस नहीं हो रहा है। और आपको बता दें साफ़ सफाई के मामले में भी बढ़िया है, इधर साफ़ सफाई अच्छे से हुआ है। और फिर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हम लोग आ गए हैं, जल्दी चौरी बाजार के पास पहुँचने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं आप ट्रकों का लाइन लगा है यहाँ पे, हो सकता है वो लोग रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रोके हों ट्रक्स। आप देख सकते हैं रोड काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे सीन देखने में कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप वीडियो को इन्जॉय करते रहिए, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं तो किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो, तो वीडियो एंजॉय करते रहिए। दोस्तों ये देख सकते हैं ये सब कुछ सुबह का नज़ारा है, सुबह के अभी लगभग 7 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों सुबह में राइड या ड्राइव करने की बात ही अलग कुछ रहता है, क्योंकि रोड भी खाली रहता है और रोड भी ठंडा रहता है, जिससे कि हमारे कार या बाइक के टायर्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। हालाँकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, ये देखिए वातावरण काफ़ी बढ़िया है और साफ़ सफाई भी अच्छी है, जिसकी वजह से ये रोड काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और बस दोस्तों देख सकते हैं एंजॉय करते रहिए वीडियो को, आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको। और आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपके कमेंट से ही दोस्तों हमको इंस्पिरेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग बनारस के अंदर ही, क्योंकि कमसेठी बनारस के अंदर आता है और जो चौरी बाजार है वो आता है भदोही ज़िला के अंतर्गत। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी आप चलते रहते हैं, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फिर दोस्तों सीधे आगे बढ़ते हुए ये देखिए आ गया है हमें बोर्ड, जो कि बेसिकली हम लोगों को वेलकम करता है भदोही ज़िले में आने के लिए। ये देखिए काली नगरी में आपका स्वागत है, कुछ इस तरह लिखा गया था, तो ये भदोही में वेलकम किया गया है। और फिर अब इधर से दोस्तों भदोही का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, आप ये देख सकते हैं आगे पाँच। दोस्तों ये देख सकते हैं आगे आ गया है चौरी बाजार, और चौरी बाजार से पहले चौरी बाजार का बस स्टैंड है, ये देखिए यहाँ पर बसें खड़ी थी, यहाँ से लेकर पीछे कुछ दूरी तक है बस स्टैंड, जैसे बहुत सारी बसें अक्सर आती हैं तो यहाँ से है कुछ दूरी तक। तो चलते हैं अभी चौरी बाजार में, ये देखिए कुछ मार्केट इस तरह है अभी, हालांकि सुबह का टाइम है इसी वजह से बहुत ही कम भीड़ है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है जितना।
दोस्तों ये है, आप देख सकते हैं चौरी बाज़ार, आप देख सकते हैं आगे चौरी बाज़ार में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मिठाइयाँ और यहाँ पे बेसिकली हर एक सुविधा मिलता है, जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और भी मार्केट टाइप में लगता है। यहाँ पे सब्जी का सेल होता है और हर चीज़ है, आप देख सकते हैं ये कुछ था। और इधर से ये रास्ता चलता है परसीपुर स्टेशन और मेन चौरी बाज़ार इधर है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो हम वहाँ का एक अलग से वीडियो बना देंगे, अब जल्दी अपलोड करेंगे, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वो लोग भी वीडियो को एंजॉय करें। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।